प्रधान जी, अभी अभी मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया है कि संदीप सिंह जी अभी मंत्री हैं और उनको अपना काम संभालना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा कि आपको पता है, मुख्यमंत्री की बौखलाहट है, क्योंकि कभी तो कहता है मैंने इससे पद ले लिया, मंत्री पद संदीप सिंह से ले लिया, और हमारे राज्यपाल हैं उन्हें नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो ये कुछ भी कह सके है, लेकिन हम इसकी निंदा करते हैं और उसके ऊपर इतनी धारा लगी हुई है। अगर अब दोषी नहीं होता धारा किस चीज की, तो बिल्कुल हम इसकी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और संदीप सिंह को बिल्कुल हम गिरफ्तार करवा देंगे। आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति ये है, आप 11 तारीख को जैसे दादरी जिले की सभी खाते इकट्ठी हो रही दादरी में पूरे जिले की, और 9-15 तारीख को हमारी पंचायत है नलगढ़ खाप के चबूतरे पे, क्योंकि बेटी हमारी खाप से है, तो हमारी पूरी खाप, आज भी मैं पंचायत से आया हूँ, वहाँ भी 2-3 गाँव की पंचायत थी, तो बहुत मजबूती के साथ हम इसका विरोध करेंगे और अपनी बेटी को न्याय दिला के रहेंगे, और 15 तारीख को बहुत बड़ी हम पंचायत यहाँ झज्जर जिले में दावड़ा गांव में करेंगे। 15 तारीख को जो पंचायत है आपकी, उसमें कितनी खापे होंगी, कौन कौन सी खापे होंगी? देखिए, झज्जर जिले की तो सभी खापे उसमें है ही हैं, लेकिन उसके बाद में जैसे हमारी बात दादरी भी हुई थी, आज प्रधान जी हैं फोगाट खाप के, उनसे भी हमारी बात हुई थी, और जितनी भी हमारे संपर्क में जितनी खापे, सभी खापों को हम मैसेज करेंगे और उनको यहाँ बुलाएंगे। तो आपकी मुख्य मांग क्या रहेगी अभी? जैसे हमारी मुख्य मांग ये है बर्खास्त किया जाए और उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो आपका कदम क्या रहेगा? देखो, तो हमारी 15 तारीख की जो पंचायत है उसमें बहुत कड़ा फैसला उसमें लिया जाएगा और जो बात होगी आपको बताया जाएगा, और उसमें सरकार उसकी जिम्मेवार होगी। अब मुख्यमंत्री का बयान आया, उसके बाद रणनीति अलग हो जाएगी। देखो, मुख्यमंत्री का बयान आया है, पहले मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि हमने SIT गठित कर दी है, उसकी जांच चल रही है, और उसी पर ये कहता है कि अनर्गल बयान है ये, वह याद बयान है, आरोप है, वैसे आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं होता। अगर दोषी नहीं तो SIT मुख्यमंत्री ने पूछो कि किस चीज के लिए गठित की, चंडीगढ़ पुलिस में इतने मामले दर्ज है, वे किस लिए दर्ज है, संदीप सिंह से पूछताछ चल रही है इतनी बार तो किस लिए चल रही है, उसका खेल विभाग मंत्री मुख्यमंत्री जी ने लिया, वो आपने देखा भी होगा, राष्ट्रपति ने उसके नोटिफिकेशन जारी किया था, तो अगर वो दोषी नहीं है तो ये इतनी कार्रवाई किस लिए हो रही है? और आप लोग को पता है, जैसे SIT का एक वो भी बयान भी था, हमने देखा था सोशल मीडिया पर, अब जिसने 1 लाख रुपए का हमारी बेटी को जो ऑफर दिया था, 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ का जो ऑफर दिया था, 1 करोड़ का, उसका जो को अधिकारी उसको नोटिस भी दिया। तो देखिए, बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, न्याय हो, और इसमें दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले, और जब तक न्याय नहीं होगा हमारी खापे बिल्कुल ऐसे ही आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। ठीक, थैंक यू। प्रधान जी, मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि संदीप सिंह जी अभी मंत्री हैं और मैंने उनको पत्र लिखा है कि अपना काम संभाले, आपने कुछ दिन पहले भी पंचायत की थी, तो अभी इस बयान को लेकर आप क्या करेंगे? भाई साहब, जो एक CM साहब ने ये बयान दे दिया, पहले तो उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान और दिया था, और अब इस बयान में उसने कह रखा कि मेरी ना तो लड़की से बात हुई ना मंत्री जी से, और फिर कह रहे हैं मंत्री जी को मैंने कहा था अपना विभाग को संभाल। एक तरफ से आपके माध्यम से वो उजागर कर रहा है भाई हम खेल मंत्री का पद उसे ले लिया, इस सरकार को सोचना चाहिए, एक को बेटी बचाओ पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा, बचाओ और पढ़ाओ का जो नारा दे रही है, उसमें ये सरकार बिल्कुल फैल है, और फैल नहीं, इसने जो अभी वो अभी जस्ट जो बयान दिया इसने कुछ देर पहले CM साहब ने, ये बेतुकले बयान देने में हरियाणा में भड़काने का काम किया है, भाईचारे को फाड़ने का काम किया है, और मैं तो तमाम खापों की तरफ से और अपनी गुड़िया खाप की तरफ से कहता हूँ CM को ऐसे बयान कभी भी नहीं देने चाहिए, जिससे बहन बेटी की इज्जत पर, इमेज पर, ये एक बेटी का पिता नहीं है तो इसको इतना तो सोचना चाहिए, और बेटियों के पद पर होने चाहिए क्या बयान दे रहे हो, क्या नहीं होना चाहिए। मैं तो तमाम जो सरकार में हमारी बहन बेटियां जो मंत्री पद पर भी हैं, जो वैसे किसी पद पर हैं, मैं उनको कहता हूँ उनको भी जागना चाहिए, उन्होंने भी CM साहब को कहना चाहिए कि आप क्या कह रहे हो, ये बिल्कुल बेहुदा बयान दिया है, और इसकी हम आगे की रणनीति बनाएंगे। 15 तारीख की हमारी जो डावड़ा में पंचायत है,
हम इस पर बहुत तगड़ा कोई ना कोई और निर्णय लेंगे। ये हरियाणा को भड़काने का और जलाने का दोनों काम कर रहे हैं ये सरकार। ठीक है।